Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of English lesson number 2, The Little New Year. So in this video we will continue our back exercise. जैसा कि हमने last part में आपके साथ discuss की थी, मैंने adjectives comparison of adjective discuss करा था, एंड उससे भी last part में मैंने आपको adjective एंड उसके types बताए थे. सो ग्रामर के हमने दो टॉपिक पढ़े थे लास्ट टू पार्ट्स में, तो काफी इम्पोर्टेंट थे वो दोनों ही टॉपिक. इफ अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पार्ट्स प्रोवाइड है, पार्ट 1, 2, 3, 4. फर्स्ट टू पार्ट्स में तो मैंने आपके साथ स्टोरी डिस्कस करी, आपको स्टोरी एक्सप्लेन की है, एंड नेक्स्ट टू पार्ट्स में हमने बुक बैक एक्सरसाइज डिस्कस करी है. सो देखिएगा जरूर, बिकॉज बैक एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्रामर के पार्ट्स आ रहे हैं, तो काफी कहीं ना कहीं काफी जरूरी है. सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं बैक एक्सरसाइज, जिसमें वर्ड वाइज देखेंगे. योर फर्स्ट ए पार्ट इज मेक 10 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर इन द वर्ड मरमेड. मरमेड एक वर्ड गिवन है, इसमें से आपको 10 वर्ड्स बनाने जिसका एक न्यू वर्ड बन जाए. जैसे MAM, मैम, ठीक है. और क्या बना दिया हमने यहाँ पे, EID, ईद, RED, रेड, MAID, मेड, MAD, मैड, ठीक है. एम मैडम, MAD, मैडम. वैसे ही रॉन्ग वर्ड बना दिए किसी अच्छे ने, मैडम बन नहीं सकता बिकॉज ओनली ए की ए है. एंड EAR, ईयर, ARM, आर्म, ठीक है. इस तरह से आप वर्ड्स बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ और क्या वर्ड्स हो सकते हैं आपके. जस्ट वेट, मैडम तो आपका हो नहीं सकता, इसकी जगह हम डैम कर सकते हैं, डैम. एंड ये ईयर था, आम था, डिड भी नहीं हो सकता बिकॉज डिड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो बार डिड. हम एड बना सकते हैं, वो होते हैं ना एड्स, फर्स्ट एड, एड बॉक्स. एंड दूसरा वर्ड क्या बनाया इन्होंने, डियर. क्या बनाया, डियर, EAR. तो इस तरह से आप कोई भी 10 वर्ड्स बना सकते हो अपनी चॉइस के, आपको नीड नहीं है कि एक ही तरह का बनाना है, ठीक है. आप इसमें एक वर्ड बना सकते हो, राम, राम भी बन सकता है, जो भी आपको सही लगे वो आप बनाएंगे. राम, आम, मैम, ईयर, मेड, एड, ठीक है. को जो वर्ड करेक्ट लगे आप वो लग बनाएंगे. एक वर्ड और बन सकता है हमारा, ड्रीम. क्या बन सकता है, ड्रीम. तो ये वर्ड भी आप लिख सकते हो, आपके पास कई सारे ऑप्शन है अपने आप से, आपको एक 10 वर्ड्स क्रिएट करने हैं इसमें. सो ये खुद से कीजिएगा, कई सारे बच्चे कर पाएंगे एंड आप और भी न्यू क्रिएट कर पाएंगे. नाउ स्पेल वेल में आपको अनस्क्रैम्बल करना है वर्ड्स को एंड एक न्यू वर्ड बनाना है जिसकी मीनिंग हो. जैसे ROFYST, तो फ्रॉस्टी, YSRO, रोजी, MTYPE, MT, EMPTY, ये E है आपका, MT, SOYSWN, स्नोई, SNOWY, स्नोई, स्नो के लिए यूज करा जाता है, स्नोई सब्सटेंस के लिए. तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स को, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स को, इनको अच्छे से स्क्रैम्बल करके, ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स आपके स्टोरी में आ रखे हैं, एम्प्टी, स्नोई, रोजी, फ्रॉस्टी, ये सब कहीं ना कहीं आपको पता है. तो इसके जो मीनिंग है ये आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्रॉस्टी, रोजी, एम्प्टी एंड स्नोई का क्या मीनिंग होता है. तो इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे. सो पेज नंबर 41 पे देखेंगे आपकी ये प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है. ये जो वर्ड्स गिवन है अगर आप इसे अलाउडली रीड करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी. लाइक क्लिफ, स्टफ, स्निफ, डैंड्रफ, विफ, ब्लफ, ऑफिस, डिफरेंस, अफेक्शन, एफर्ट, इफेक्ट, ट्रैफिक, एलिफेंट, डॉल्फिन, ऑर्फन, ट्रॉफी, अल्फाबेट, फ्रेज, इनफ, टफ, रफ, कफ, लाफ, ट्रफ, ट्रफ.
तो ये जो वर्ड्स है आपने क्या देखा, डबल एफ या जी एच और पी एच, इन पर फोकस किया गया है। तो प्रोनाउंसिएशन आपको इसकी करनी है, जैसे जैसे मैंने वर्ड बोले वैसे वैसे मेरे साथ भी आप बोलेंगे तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बार हम इन्हीं वर्ड्स को गलत प्रोनाउन करते हैं तो वो चीज उससे हमारी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है, रीडिंग खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की मेरे साथ, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई है वैसे ही मेरे साथ बोलेंगे तो आपको भी आ जाएगी। नाउ आपका पंचुएशन मार्क है, लास्ट बुक वर्क है पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क क्या होते हैं, मतलब आपको क्या यूज करना है, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड कॉमा, जहां पे सुटेबल हो वहां पे कैपिटल, फुल स्टॉप एंड कॉमा आपको लगाना है। जैसे आपको पता है हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो ए बड़ा लिखेंगे। अ सेलिब्रेशन इज अ स्पेशल, स्पेशल को अलग करते हुए यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। इंजॉयबल इवेंट ऑर्गेनाइज बाय पीपल, तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। एंड देन नया सेंटेंस के लिए आई कैपिटल लिखेंगे, इट टेक्स प्लेस व्हेन समथिंग प्लेजेंट हैज हैपेंड, यहाँ पे सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप लगाएंगे। नाउ योर फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट लेटर इज कैपिटल आई, इट इज अ स्पेशल ओकेजन और अ फेस्टिवल, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, फुल स्टॉप। न्यू सेंटेंस के लिए फिर कैपिटल, पीपल पार्टिसिपेट जॉयफुली एंड हैव ग्रेट फन ड्यूरिंग सेलिब्रेशन। तो इस तरह से आप पंचुएशन मार्क्स लगाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आप अपनी ये बैक एक्सरसाइज पूरी करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए होगी कि किस तरह से इन पंचुएशन मार्क्स को अपने आप में उसको यूज करना है आपको। इफ अगर ये आपको बैक एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और उससे भी पहले क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोज आपको मिलती रहे जो भी मैं चैनल पर प्रोवाइड कराऊं। So thank you for watching my video students and don't forget to subscribe my channel.